अब देखो बेटा, ये जो सवाल दे रखा है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो तो, और पढ़ने के बाद में इसका डायग्राम बनाओ। गलत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, पहले बनाओ गलत फिर सही बनाएंगे, ठीक है? याद रहेगा। सर माउंटेड का मतलब होता है सर के ऊपर माउंट है, और यही है सही, मैं मजाक नहीं कर रहा। जैसे मान लो क्यूब के ऊपर सरमाउंटेड कोई चीज़ है तो क्यूब के ऊपर कुछ होगा। अगर मान लो कोन है, कोन के ऊपर सरमाउंटेड है तो कोन के ऊपर कुछ होगा। सरमाउंटेड का मतलब उसके सर के ऊपर, उसके ऊपर रखा हुआ। वेरी गुड। पहले डायग्राम बनाओ फिर मैं बताऊं। अब ध्यान से सुनना बेटा, तुम्हारे पास में दे रखा है क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। पहले तो एक काम करते हैं, क्यूब बनाते हैं। ये क्यूब बन गया, क्यूब बन गया बेटा। इस क्यूब के ऊपर क्या बोला है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड का मीनिंग मैंने क्या बताया, उसके सर के ऊपर, सर इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है। कौन रखा हुआ है बेटा? हेमिस्फीयर। तो इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, तो मैं हेमिस्फीयर को क्या है ना, अब और उसमें दे रखा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर रखो कुछ दिल पे मत लेना, इतना बड़ा हेमिस्फीयर लिया इसको छुपा दिया, ऐसे नहीं करना। ऐसा रखना है कि जो इसको टच कर जाए, रखा भी रहे, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा जो कटोरा रखोगे इसके ऊपर वो यहाँ और यहाँ टच कर सकता है, या यहाँ और यहाँ टच कर सकता है। अच्छी बात यह है कि जितनी लेंथ बेटा ये है 7, तो ये भी 7 है। लॉजिक समझ में आ रहा, क्योंकि क्यूबॉइड है। समझ में आया? क्यूबॉइड नहीं है, क्या है बेटा? क्यूब है। ये अगर तुम्हारे पास 7 सेंटीमीटर है तो इसका ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो तुम जो भी इसके ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखोगे वो समथिंग बेटा ऐसा ही होगा, ऐसा ही तो होगा। लॉजिक समझ में आया? ऐसा ही होगा। इसको और अच्छे से करना, ऐसे कर लो ज़्यादा ज़्यादा बेटा। ये रख गया। अब मेरा एक सवाल है, जो हम लोग नहीं ये खेलते हैं बेटा, क्यूब खेलते हैं, उस क्यूब को मैंने लिया, यहाँ हाथ में पकड़ लिया, उसके ऊपर में मैंने क्या किया, एक उसी के सेम डायमीटर की मैंने क्या रख दिया, उसके ऊपर एक बॉल रख दी, हेमिस्फीयर रख दिया। बॉल का मतलब आधी कटी हुई बॉल रख दी, हेमिस्फीयर रख दिया। मेरे को एक चीज़ बताओ, जब तुम रख दोगे तो कुछ पोर्शन ऊपर का बचेगा या सारा का सारा ढक जाएगा? कॉर्नर बचेंगे। कौन कौन से? एक ये छुटका सा कॉर्नर, एक यहाँ और एक यहाँ, ये कॉर्नर बेटा बच जाएंगे थोड़े, जब रख के देखोगे ना तो बच जाएंगे। तो सीधी सीधी बात है, अब क्या बोला वो, फाइंड द सरफेस एरिया। फिर से वही बात, पहला सवाल तो डायमीटर बोला, तो डायमीटर कितना हो जाएगा उसका, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा बेटा, जितना इसकी साइड होगी उतना ही तो होगा। तो पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो पहले तो लिख दो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा यही इसी साइड के इक्वल, दैट इज 7 सेंटीमीटर। पहले पार्ट का तो आंसर खत्म। अब मेरा सवाल ये है, तुम्हें टी ए से निकालना का सी ए से निकालना? बेटा यहाँ भी देख लिया, क्या निकालना? अब हमें बस ये याद रखना है कौन कौन सी चीज़ तुम टच कर सकते हो। जब तुम इसका सरफेस एरिया निकालोगे, ये वाला पोर्शन टच कर सकते, इसके बैक साइड में भी टच कर सकते, ये भी साइड टच कर सकते हो, ये भी साइड टच कर सकते हो, तो चार तो तुम साइड टच कर सकते हो, नीचे भी तो टच कर सकते बेटा, 5 साइड ये हो गई। ऊपर जब तुम टच करने जाओगे तो ऊपर की पूरी साइड टच नहीं कर पाओगे, पूरी तो कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये भाई सब टोपा रखे बैठे इसके ऊपर। लॉजिक समझ में आया? तो हम एक तो ये पोर्शन टच कर पाएंगे थोड़ा सा, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, और ये पूरा का पूरा जो कैप है, या कह सकते हो ये जो हेमिस्फीयर है, इसको तो टच कर ही सकते हैं। अब ये मत कहना इसके अंदर हाथ डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। समझ में आया? हम लोग क्या टच कर पा रहे हैं, इस पोर्शन को और इनकी चारों साइड को, और बैक नीचे का पोर्शन और ये कॉर्नर। तो इसको आसान कैसे बनाते हैं? आसान बनाते हैं, जब मैं टी एस ए निकालूंगा, मैं डायरेक्ट सरफेस एरिया लिखूंगा, टी एस ए बी एस ए बाढ़ में चला जाए। सरफेस एरिया जब लिखूंगा तो सरफेस एरिया इक्वल टू होगा, मैं सारी की सारी साइड ले ले रहा हूँ किसकी, क्यूब की सारी,
तो मैं लिख रहा हूँ टी एस ए ऑफ क्यू ले रहा हूँ, अभी लिखो मत बेटा, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर ले लिया, माइनस। जब तुमने ये सारी साइड ले ली, जब तुमने बेटा सारी साइड ले ली, एक साइड मैंने गलती से एक्स्ट्रा ले ली, कौन सी? ऊपर वाली, लेकिन वो पूरी साइड नहीं, हमें तो केवल यही पोर्शन तो टच कर पा रहे, जितना इस टोपे ने, जितना इसने बेटा ढक लिया है हेमिस्फीयर ने, वो तो हम टच ही नहीं कर पा रहे। जितना हेमिस्फीयर ने पोर्शन को ढका है, वो कौन सा पोर्शन है, दिखने में कैसा होगा? वेरी गुड, सर्कल ही तो होगा बेटा। जो पोर्शन इसने ढका है वो क्या होगा? वो एग्जैक्ट सर्कल होगा। तो हमें माइनस क्या करना है इसमें से? एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस करना है। समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान सवाल था। मैंने पहले सारा ले लिया और मैंने ये कैप वाला पोर्शन भी ले लिया। एक पोर्शन हम नहीं टच कर पा रहे थे, कौन सा नहीं टच कर पा रहे थे? इस कैप के नीचे, और इस कैप ने कितना ढका? जितना उसका सर्कल था। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा उठा देते हैं, हाथ से टच करके भागा, ऐसे नहीं, उसको बदतमीजी कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, ये आंसर आ गया, ये हो गया 6 into a² प्लस 2πr² माइनस πr² 6 into a, a का मीनिंग कितना है? 7 है बेटा, 7 साइड दे रखी है, इसको माइनस पहले कर लो, 2πr² में से 1πr² चले जाएंगे, बचेगा तुम्हारे पास πr² 1πr² 6 into 7 का स्क्वायर में ऐसे ही लिखता हूँ, मेरे को मन नहीं करता मल्टीप्लाई करने का। ठीक है छोटू, 22/7 और रेडियस है, रेडियस कितनी है? 7, रेडियस 7 है, रेडियस कितनी है? 7 नहीं है, इसकी रेडियस कितनी है हेमिस्फीयर की? 7/2, क्योंकि बेटा ये आधा हो गया ना, ये इसकी जो रेडियस है वो है 7/2, तो मैं लिखूँगा 7/2 का स्क्वायर। तो दो बार लिख दें छोटू, कोई दिक्कत किसी को? लिख सकते और चलो ऐसे लिख दे रहे हैं, 7/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया 6 into 7 into 7 प्लस 22/7 into 7 into 7/2 into 2। बेटा ये 7 से 7 कट्टी पिट्टी, 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल, कॉमन क्या ले सकते? सिर्फ और सिर्फ 7, तो 6 into 7 प्लस 11/2 जल्दी करो। ये कर दो बेटा, ऐड कर दो, सेवन का कर दो मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा, जल्दी करो। यूनिट क्या थी छोटू? तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। जल्दी लिखो, कैलकुलेशन करो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? ये बहुत आसान था, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और ये आएगा। ठीक है, इसमें क्या था, एक क्यूब बनाया, उसके ऊपर था तो मैंने ऊपर रख दिया उस पर हेमिस्फीयर, उसके बाद में बेटा सरफेस एरिया निकाल लिया। नेक्स्ट सवाल, जल्दी करो इसको, बहुत आसान है बेटा, क्वेश्चन को डायग्राम बनाओ सारे बच्चे, जल्दी करो। अब देखो, इसने बोला अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूब टाइप का ब्लॉक है तुम्हारे पास में, मान ले बेटा इस टाइप का ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक था तुम्हारे पास में। अब इस ब्लॉक से तुम बेटा उधर बैठ जाओ, थोड़ा सा उसको देखने में, उधर को और अंदर को बैठ जाओ, ठीक है, तुम थोड़ा सा इधर बैठ बेटा, तो वो बीच में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो बॉक्स, ये जो क्यूबिकल बॉक्स है, तुम इसको दूसरे तरीके से सोचो। ये मान ले कि इस टाइप का जो बॉक्स लकड़ी का ना समझ के, तुम समझ लो इसको कि इसमें पूरे में चलो आइसक्रीम भरी है, ठीक है,
और तुम्हारे पास में एक स्पून है, और स्पून है कैसे वाली, जो इस पर तुम्हें तुम्हें आ जा, तुम्हें आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, नम्बर लाते हो 50% से, ये चम्मच और ये तुमको सब समझ में आ रहा है, गधा आदमी बोला नहीं करो ना समझाते समय। क्या ये हिमांग है? बोला नहीं करना बेटा, अभी टेस्ट में मैं क्या करूँगा, चम्मच टेढ़ी कर दूंगा, वहाँ कोन वाली चम्मच तो है करोगे, आइसक्रीम चाटते रहना बैठ के। सुनो बेटा क्या करना है, ये है तुम्हारे पास में जो स्पून है, जो चम्मच है वो कैसी है, वो एक हेमिस्फेरिकल टाइप की है, ऐसी ना, ऐसी चम्मच है, होती नहीं बेटा, तुमने देखी होगी ऐसी वाली होती है ना बेटा, नहीं देखी तो अभी लाएंगे घर पे बेटा, ऐसी चम्मच होती है, तो उसे आइसक्रीम निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, तुमने क्या किया, तुमसे बोला कि आइसक्रीम भर के खानी है इसको फुल, ठीक है, तुमने गए यहाँ पे चम्मच लगाई, ट्यूं चाट गए, भर ली, तो तुमने कितना पोर्शन भरा बेटा, तुमने ये किया यहाँ से लेके, यहाँ से लेके लगभग ये रहेगा, लगभग ऐसा ही रहेगा, एक्चुअली क्या है ना, वो अंदर का पोर्शन हमें नहीं दिख रहा, अगर और अच्छे से दिखाना चाहूँ तो तुम कह सकते हो कि सर ये रहेगा, समझ में आया कि नहीं, इतना बड़ा तो कोई चम्मच नहीं होता बेटा, अभी एग्जाम में आएगा संडे को तो पता चलेगा इतना ही बड़ा होगा। अब जब तुमने जब ये वाला रीजन बेटा ले लिया, अगर इसको देखो, ये वाला पोर्शन जो भी था ये तुमने सारा का सारा यहाँ से रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया, अब रिमूव करने के बाद में इसमें क्या क्या बच जाएगा, तो तुम्हारे पास में एक तो ये कॉर्नर थोड़ा सा बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा बेटा, यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा, ये बच जाएगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है 3D डायग्राम है, अंदर का पोर्शन तुमने ऐसे लिया और ऐसे निकाल लिया, ठीक है। अब सवाल ये है, पहले तो डायमीटर इसकी वो कितनी थी बेटा, हेमिस्फेरिकल जो तुमने कट किया है, वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर था उसका बेटा L, ये वन नहीं है छोटू, L है, ठीक है, L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल, इसका मतलब इसका जो डायमीटर है वो कितना है बेटा, रेडियस कितनी हो जाएगी, L अपॉन 2, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L लेंथ हो गई। अब फिर से वही कहानी, अगर मैं बात करूँ हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो उसकी रेडियस हो गई बेटा L अपॉन 2, और अगर क्यूब 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 की बात करूँ तो उसकी तो क्यों L, मे को तो निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कौन सा वाला सरफेस एरिया निकालना है, टोटल या कुछ भी नहीं गिवन, सिर्फ सरफेस एरिया गिवन है, तो हमें कौन सा निकालना है, टोटल, कैसे टोटल में भी ये देखा करो कौन कौन सा पोर्शन तुम टच कर सकते हो, इसमें क्या क्या, अभी लिखना मत बेटा, क्या क्या टच कर सकते हो, एक तो इधर का, एक बैक साइड का, एक इधर का तो एक इधर का, एक नीचे का, इतने तो टच कर सकते हो। जब तुम ऊपर का टच करने की कोशिश करोगे गए ड्रग उसमें उंगली चली जाएगी, लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर गड्ढा है, लेकिन गड्ढे को तो टच कर ही सकते हो ना बेटा ऐसे करके, और जब तुम उसको टच करोगे फील करोगे वो किस टाइप की शेप दिख रही होगी, एग्जैक्ट हेमिस्फीयर दिख रहा होगा, जो तुम टच कर रहे हो वो क्या दिख रहा होगा, हेमिस्फीयर। तो तुम क्या करोगे, इसका पहले तो मैं एक काम करता हूँ, सारी साइड का ले लेता हूँ, सारी साइड का कैसे, टी एस ए ऑफ मैं ले लेता हूँ बेटा क्यूब, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। मैंने एक चीज इसमें एक्स्ट्रा ले ली, कोई बच्चा बताएगा मैंने क्या किया, जब मैंने टी एस ए क्यूब लिखा इसका मतलब मैंने ऊपर की पूरी साइड ले ली, लेकिन ऊपर की पूरी साइड तो है ही नहीं, बीच में तो ये वाला पोर्शन चला गया ऊपर का, वो पोर्शन जितना गया है वो किस टाइप की सेफ है, एग्जैक्ट सर्कल, तो मेरे को माइनस क्या करना है इसमें से बच्चा मेरे को सर्कल का एरिया माइनस करना, पाई आर स्क्वायर, क्यूब का इसका होता है 6 into a square, इसका फॉर्मूला होता है 2πr² माइनस पाई आर स्क्वायर, और जो पोर्शन गया है उसकी रेडियस भी यही रहेगी बेटा, L कितना गिवन है, साइड कितनी गिवन है, L प्लस ये सॉल्व किया ये 2πr² में से एक पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो बचेगा तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर, 6 into l² प्लस पाई, रेडियस कितना है बेटा, L अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो 6l² प्लस पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है वो भी पुट कर दो बेटा, 22 अपॉन 7 into l² अपॉन 4,
एन स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा 6 प्लस, ये कैंसिल करो बेटा ना करो छोड़ो, ये आएगा 22 अपॉन 7 इंटू 4, यही आया ना बेटा। इसको पाई के फॉर्म में छोड़ दो, कोई फायदा नहीं बेटा करने से, कोई फायदा नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख दो 6L² प्लस पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन 4, बेटा एल स्क्वायर ले लो कॉमन क्योंकि कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है इसमें, ये बचा पाई अपॉन 4। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये एल स्क्वायर 24 प्लस पाई अपॉन 4 अपॉन 4, ये बेटा फाइनल आंसर हो गया। एल स्क्वायर इंटू 24 प्लस पाई अपॉन 4, ये फाइनल आंसर हो गया। यूनिट क्या है इसकी, कुछ नहीं पता, तो लिख दो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट दिस इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे करो, नहीं बेटा बिल्कुल सही है, ये 4 को ज़्यादा ज़्यादा मन करे तो बाहर लिख दो, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जल्दी करो, तो इसी क्वेश्चन में एग्जाम में आने में वो तुम्हें साइड की लेंथ दे देगा, जो भी साइड है ना वो दे देगा 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ लिख देगा, अपने आप आ जाएगा। जल्दी करो, ये बहुत आसान है बेटा, जल्दी करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ लो एक बार। एक मेडिसिन कैप्सूल तो देखा ही है ना, कैप्सूल को बेटा किसी ने, कितने बच्चों ने खोल के देखा, इतना बेला टाइम कैसे तुम्हारे पास। अच्छा मैंने भी सुनो, उसमें क्या है ना, इधर से खोल दो इधर से खोल दो, है ना, उसमें से नहीं, सरसों के दाने वाला तो वो दूसरा होता है, जो भी है, सीधी सीधी बात ये है कि ये जो कैप्सूल है ना तुम्हारे पास में, इसका बच्चा तुम्हारे पास टोटल लेंथ गिवन है, कितनी टोटल लेंथ है 14। यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से लेके डॉट 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 कर दूँ, यहाँ से लेके ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है बेटा, ये कैसा है, वेरी गुड, ये बेटा दो हेमिस्फीयर हो गए। कोई बच्चा बताएगा इस हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है, 5/2, क्योंकि ये टोटल 5 है बेटा, टोटल 5 है तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, अगर ये 5/2 है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बच्चा, वेरी गुड 5/2, ये लेंथ भी है तुम्हारी 5/2। अगर मैं बीच की पोर्शन की बात करूं तो इधर उधर के दो में ढांक, इसको ऐसे कर दो ढक दिए, बीच में क्या दिख रहा है बेटा, गधा आदमी, रेक्टेंगल कहां से दिख रहा है यार, सिलेंडर दिख रहा है, रेक्टेंगल है, कैप्सूल है ना, तो ढकने के बाद में वो क्या है, वो एक तुम्हारे पास बचा सिलेंडर। बेटा ये 3D डायग्राम है, ध्यान से सुनो, अब क्या है, अब ये जो बीच का पोर्शन बचा है वो एग्जैक्ट बेटा एक सिलेंडर बचा है, सिलेंडर की हाइट क्या है, हाइट या लेंथ क्या है, देखो 5/2 इधर चला गया, 5/2 इधर चला गया, तो सीधी सीधी बात है 5 माइनस कर दो, 14 में से 5 माइनस कर दिया तो बीच की लेंथ कितनी बची, 9 बची बेटा, बीच की लेंथ तुम्हारे पास 9 बची। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये 9 मिलीमीटर का है, ये बचा 9 मिलीमीटर का, ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ बेटा, जो सिलेंडर है सिलेंडर की रेडियस कितनी होगी, रेडियस तो सेम रहेगी 5/2, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो लेंथ है, लेंथ हो गई 9 मिलीमीटर, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर की रेडियस तो बेटा यही है 5/2, और इसकी और कुछ नहीं इसमें होता है, ठीक है। पूछा क्या है तुमसे, सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया में तुम्हें क्या करना है, एक तो सिलेंडर का सरफेस एरिया लेना है, और इधर उधर क्या है, हेमिस्फीयर है ना बेटा, तो दो हेमिस्फीयर का एरिया निकालना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सरफेस एरिया इक्वल टू, सरफेस एरिया इक्वल टू, सबसे पहले तो लिखेंगे CSA टू टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो दो हेमिस्फीयर हैं बेटा, हेमिस्फीयर हो गए, प्लस साइन लगाओ, CSA ऑफ बीच में क्या है, सिलेंडर है,
बीच में तुम्हारा सिलेंडर है। टू टाइम्स सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr², तो 2πr² लिख दो, 2πr² लिख दो, प्लस सिलेंडर का रहता है 2πrh, 2πrh रहता है, कॉमन क्या ले सकते हैं बच्चा? 2πr कॉमन ले लिया तो बचेगा 2 × r + h, 2 × π, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है बेटा 5/2, 2 × 5/2 प्लस हाइट, हाइट का मतलब लेंथ 9 है छोटू, कुछ कुछ तो कट रहा है, क्या क्या कट रहा है? एक 2 से 2 गया और एक बेटा इस 2 से ये 2 भी गया, तो ये कितना बचा? 22 × 5 करोगे तो 110 आते हैं, अपॉन 7, अंदर में क्या आ गया? 14 आ गया बेटा, और 14 तुम्हारे 2 से कैंसिल होते, सॉरी 7 से, 7 2 जा, तो 220 क्या? मिलीमीटर स्क्वायर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर, क्योंकि मिलीमीटर में था सब कुछ। बहुत आसान सवाल था बेटा, अच्छे से कर लो, ठीक है, जल्दी करो। इसी के आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है।